Assalamualaikum viewers, welcome to Faraz Kitchen. जी my dear viewers, आज Faraz Kitchen में मैं बना रही हूँ हरीसा चिकन के साथ. आप चाहें तो बीफ मटन के साथ यूज़ करें तो ज़्यादा मज़े का और टेस्टी इसका रिज़ल्ट आएगा. चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे स्टाइल में मैंने ये हरीसा कैसे बनाया है. चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ पूरी पूरी वीडियो वॉच भी करें फ्री में. जी माय व्यूअर्स, हरीसा बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल ली है छिलकों वाली 1 कप. इसे अब धो के पानी में भिगो लेंगे. और तकरीबन 1/4 कप चावल है और दलिया जो है वो 1 कप मैंने बॉयल कर लिया है, फ्रिज से निकाला है, ठंडा है, ये भी तैयार है. और शॉर्ट की है मैंने वीडियो. और ये चिकन है, बोनलेस भी है, दूसरा भी है 1/2 kg से ज़्यादा है. और 1 गड्डी इसमें जाएगी पालक. इसको अभी हम बनाते हैं बारीक बारीक, ज़्यादा नहीं डालनी. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. घी लिया मैं, घी में बना रही हूँ. 2 प्याज है निकाल लिया और जिन्हें मैं फ्राई कर लेती हूँ. घी है जी हमारा 1 पाव, इतनी मैंने घी लिया है. प्याज ज़रा गोल्डन ब्राउन होते हैं, चीज़ें जो हैं वो शामिल, प्याज होते हैं तो लहसुन अदरक शामिल करते हैं. प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया. अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं गार्लिक डाल रही हूँ कुटा हुआ, और 1 ही टेबल स्पून इसमें जाएगा जिंजर, वो भी है कुटा हुआ. अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और 2 टमाटर डाल दें. 2 टमाटर मैंने काट के इसमें डाल दिए. अब ये ज़रा फ्राई होते हैं, फिर इसमें अपनी तमाम स्पाइसेस ऐड करते हैं. मैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक हो गया, अब इसमें चिकन ऐड करते हैं और फिर स्पाइसेस डालते हैं. चिकन फ्राई हो गया, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है. अब इसमें हम डाल रहे हैं जी 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून जा रहा है इसमें रेड चिली. आप चाहें तो ज़्यादा भी टू टेस्ट कर सकते हैं. 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसमें धनिया पाउडर. इसको भून लेना और फिर हम इसमें चावल, दलिया और दाल डालकर प्रेशर कुकर लगा दूंगी मैं. और फिर इसके बाद हम जो दूसरी तरफ है वो पालक मैंने काट के धो के उबलने के लिए रख दी है अच्छी तरह से चिकन में. और अब इसमें ये मैं दाल डाल रही हूँ जो भिगोई है मैंने 1 घंटा, मूंग की दाल छिलकों वाली और ये चावल जो मैंने 1/4 कप भिगोए थे. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो हरीसा बीफ में, मटन में भी बना सकते हैं, तो मैं बना रही हूँ चिकन में. और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दलिया जो कि मैं ऑलरेडी ही कुक्ड कर चुकी हूँ. चलें ये मैंने 1 कप लिया था और इसे उबाल लिया. अब इसमें मैं पानी डालूँगी तो ये और प्रेशर कुकर लगा दूँगी. 1 गिलास पानी और आधा गिलास और डाल दिया. और अब प्रेशर लगा क्योंकि दलिये में भी पानी है, वो ठंडा है, फ्रिज में से आया, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती. ये मैंने मीट पीस अलहदा निकाल लिए हैं, उसमें से दलिया, दाल और चावल पक गए हैं ये देखें नीचे में. अब इनको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और पालक भी मैंने दूसरी तरफ उबाल कर उसे भी ब्लेंड कर लिया. ये देखें ब्लेंड हो गया हरीसा. बोटियाँ मैंने निकाली हैं, अब इसमें बोटियाँ हाथों से क्रश करके इसमें शामिल करती हूँ. और पालक का तड़का भून के पालक घी में, देसी घी में, मक्खन में इसमें डालते हैं. चिकन और बोटियाँ मैंने ये कर ऐसे थोड़ी सी ब्लेंड की है ताकि इनका रेशा है. आप चाहें तो बीफ में बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े का बनता है. अब इसमें हम पालक डालते हैं. पालक ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा बारीक हो गया. अब वैसे आप ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा. और ये इसमें है हरी मिर्चें. और अब इसमें हम मक्खन डालेंगे और इसका तड़का हम हरीसा के ऊपर देंगे. फिर हम अपने सीख कबाब फ्राई करके इसके ऊपर सर्व करते हैं. ये देखें इस तरह की थिकनेस रखनी है, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना. ये देखिए इसकी थिकनेस और बहुत आ रही है. ये इसकी थिकनेस, ये दैट्स इट. मैंने लिया है ब्लॉक घर का निकला हुआ, इसे मैं पालक में अच्छे तरह से इसको फ्राई करती हूँ और फिर पालक को इसमें शामिल करते हैं हरीसा में. पालक मक्खन में अच्छी तरह भून गया, अब इसको हरीसा में शामिल कर देते हैं. ये गया जी हमारा पालक इसमें.
अच्छे से मिक्स करना है और ऊपर से सीख कबाब, घर में भी आप चिकन के बना के या बीफ के कीमे के बना के ऊपर से सर्व कर सकते हैं। मैंने कैन डांस के सीख कबाब यूज़ किए हैं और अब इस पर थोड़ा सा लगाएंगे तड़का और ऊपर से कबाब सर्व करते हैं। पालक का तड़का लग गया और ये हरीसा मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। बीफ में बनाए तो बहुत ज़बरदस्त बनता है, लेकिन चूँकि हमें सूट नहीं करता इसलिए हम चिकन यूज़ किया, मटन यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इस पे तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने पालक का तड़का लगा दिया, ये इनफ होता है इसके लिए। और चूँकि पहले भी मसाला भुना गया है इसलिए ज़्यादा ज़रूरी, कबाब फ्राई हो गया, चलिए अब वो इस पर सर्व करते हैं। ये हैं जी हमारे हरीसा कबाब। ऐसे तड़का इसका ये हम इस पे डाल सकते हैं, ये देखिए कबाब का ऑयल। डियर हरीसा रेडी है, बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत टेस्टी है। इसे नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, इंजॉय करें सर्दियों की मरगूब ग़िज़ा। और अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरी रेसिपी, मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।